हेलो हमारे दोस्तों, मैं समय दिन एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई हमारे एक पंजाब के एक व्यक्ति आएंगे जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो मेरी नजर में आई तो मैंने सोचा तो शेयर करो। तो देखते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो शेयर करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। जदों बच्चा बाहर जाता मकड़ साहब किन्ने पैसे लग जाते हैं? 25-30 लाख रुपया लग जाता है। और उस बच्चे की एज कितनी होती है? 20 साल। बिल्कुल 20 साल का बच्चा 25-30 लाख रुपया ला के बाहर जाता है, ठीक है। 5-7 साल वो उत्थे मतलब जूझदा, मतलब खोते वांगू काम करदा। 5-7 साल बाद उनू एक पीआर मिल जांदी है। पीआर तो बाद वो कंट्री जिहड़ी उनू घर दिंदी लोन दे उत्ते। 25 साल का हो गया, 27 साल का वो घर दा लोन लाउंदे 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 उनू 13-14 साल लग जांदे ने, वो 40 साल का हो जांदा। जे उहदे कोल चंद पैसे जुड़दे ने ते तुसीं देखो उस कंट्री दे विच हर 10-11 साल बाद रिसेशन आउंदा। बिल्कुल तुहाडे जुड़े पैसे वह वध टैक्स दे रूप च कढ ले जांदे ने वी तुसीं उत्थे मतलब एस्टैबलिश नहीं अपने आप नूं। जिहड़े बहुत पुराने परिवार होणगे, मैं अक्सर कहिंदा कि मैनूं कैनेडा तों इत्थे बंदा आया कोई, उहने इत्थे इनवैसटमेंट कीती, विखा दिओ पूरे पंजाब दे विच। उहने कोई होटल खोलिया होवे, उहने कोई इंडस्ट्री लाई होवे, उहने किसे तरां दा वी कारोबार खोलिया होवे, असीं लोक खुश कि नहीं आ कैनेडा तों आ रहा, उत्थों लै के की आउंदे आ ऐनकां बूट, वह तो वह आईफोन, एप्पल की घड़ी, यही चीजा आ रही ना। फिर उत्थे आउंदा रिसेशन, वो तुहाडे पैसे वह भी कढ लैंदे ने। उस तो अगे आ जाओ वह सुपर जिहड़ा तुहानू मतलब मारदे ने मुक्का जिहड़ा वह मारदे ने बंच, जिहनू कह सकदे हो तुसीं, वह की करदे तुहाडे पेरेंट्स नू एक वीजा दिंदे सुपर वीजा, जां तुहाडे पेरेंट्स नू पी आर कर दिंदे आ। जदों बच्चा 40 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, उहदे पेरेंट्स 70 साल दे हो गए, 65 साल दे हो गए, फिर उहदे पेरेंट्स उत्थे जांदे ने। फिर जदों खुराक नहीं दित्ती जांदी जी 700-700 डॉलर जां मतलब उहनू दित्ता जांदा उहदा मैडिकल फ्री, अखीरला जिहड़ा उहनां दा झटका पंजाब नू उदों लगदा जदों पेरेंट्स उत्थे पहुंच गए। फिर वह सोचते कि यार बच्चा कितना यूज रहा इतने कैनेडा, फिर उन्होंने वापस आने का कोई चांस नहीं होता। फिर जो कुछ इतने होंगे उन्होंने फिर समेट के कैनेडा ले जाते, सारा कुछ वेट सारा कुछ। और फिर जी इतने तुहाडी प्रॉपर्टी है उन्होंने खरीद कौन रहा? गुजरात तो, यूपी तो, दिल्ली तो आके। तो मैंने एक दिन इन्होंने रूपानी साहब मिले, विजय रूपानी जी, एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो पंजाब दे प्रभारी गुजरात दे। हाँ जी, मेरा नाम टिक्का जी भी गए एक दिन। हाँ। ते मैनू कहंदे जी मन्ना जी आओ, मैं कहा जी नहीं, मेरी एक ही शर्त है कि बीजेपी जदों पंजाब लई कुछ करूगी मैं आ जाऊंगा। मैं मोदी साहब सारे देश लई बहुत वधिया। तो ये रियलिटी भाई कि पंजाब से लोग माइग्रेट करके कैनेडा जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहां जाके ट्रक चला रहे हैं, प्लम्बर गिरी कर रहे हैं, 25-30 लाख रुपए लगा के उनकी फैमिली क्या कर रही है, यहाँ के खेत मकान सब बेच देती है। और ये बात सच है, जितना पैसा वो वहां लगाते हैं ना इतना ही पैसा यहीं लगा के बिजनेस करे ना, एक तो अपना घर, अपनी धरती, अपनी जमीन बची रहे, साथ के साथ आपका बिजनेस भी फले फूले। मैं एक वीडियो ऐसे देख रहा था, किसी फूड ब्लॉगर की वीडियो थी, उन दोनों पंजाब शायद लुधियाने की कोई वीडियो थी, मियां बीवी थे, किसी गाड़ी के अंदर वो अपना स्टॉल लगा के बैठे हुए थे। तो बंदे ने पूछा कि आप कहीं और तक क्यों जाए भाई, कहीं जाएंगे अपनी फैमिली छोड़ के, परिवार छोड़ के, वहां कुत्ते की तरह रगड़ेंगे, ज्यादा वहां पैसे देने पड़ते हैं, टैक्स देना पड़ता है, 36 चीजें हैं, हम अपनी कंट्री में हैं, अपने घर के अंदर है, हमें यहां क्या देना पड़ रहा है, हम यहां फूड वैन लगा के भी काम कर सकते हैं, हजारों काम है, और आधे से ज्यादा पंजाब खाली हो चुका है इसी वजह से। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पंजाब के अंदर ये हो रही है कि वहां पे धर्म परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है, बहुत तगड़ी तेजी, बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पे, सिख कौम एक टाइम पे मुझे नहीं लगता कि बचेगी भी, अगर इस हिसाब से ही होता रहा तो। समझना पड़ेगा सिखों को कि ये सब बंद करें, पूरे के पूरे गांव वहां पे चेंज हो चुके हैं, वहां की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, पूरे के पूरे गांव की वहां पे ये चल रहे हैं। मैंने मेजर वाल वाले सर की एक वीडियो देखी थी, इंडिया टुडे के अंदर कोई आर्टिकल आया था, पूरा इस पे आर्टिकल था, और ये रियलिटी है इस देश की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग यहाँ से जा रहे हैं छोड़ के। अब क्रिश्चियनिटी में क्यों आ रहे हैं लोग? ताकि वहां पे कनाडा वगैरह में किसी और कंट्री में इजिली उनको वीजाज मिल जाए, वहां पे पीआर मिल जाए इजिली, इस वजह से ज्यादातर मुझे जो लगता है। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर एजेंसी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।